नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के अतरौलिया में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के क्रम में पटखौलिया भटपुरवा बसिया गांव निवासी शेषनाथ पाठक की 6 वर्षीय पुत्री आराध्या पाठक ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए गुल्लक में काफी दिनों से सपनों की तरह सजोए ₹2000 अपनी स्वेच्छा से दान किया। आराध्या ने बताया कि शुरू से ही मेरा भगवान के प्रति आस्था और विश्वास है और ये छोटा सा दान जिसे मैं सपनों की तरह धीरे धीरे अपने गुल्लक में इकट्ठा की थी आज प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ। इस मौके पर आराध्या की माता भावना पाठक भी मौजूद रही। इस दौरान नीरज तिवारी, अंकित शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, विपिन पांडे, अतुल गौड़, अनिल अग्रहरी आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। क्या नाम है आपका? आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? बेटा, ये जो तुमने राम मंदिर में योगदान दिया है, ये आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसने पापा ने बताया। अच्छा, कितने दिनों से तुम ये पैसा इकट्ठा कर रही थी अपने गुलक में? बहुत दिन से। चलो ठीक। मैं नीरज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूँ और एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के तहत न्याय पंचायत का प्रमुख भी हूँ। कल मैं ग्राम सभाओं में मेरा जाना होता था और कल मैं उसी अभियान के तहत एक गाँव पटकौली पड़ता है जिस गाँव में अभियान के तहत संपर्क करने पहुँचा, एक छोटी सी बच्ची आराध्या पाठक जो LKG की बच्ची है उसने अपना सारा गुल्लक लेकर आई और भैया बोली कि भैया जो अब मैं श्री राम जन्मभूमि को भव्य मंदिर बनना देखना चाहती हूँ, आप मेरा सारा पैसा जो है ले लीजिए और जिससे मैं मुझको एक अच्छा सा मंदिर मिल जाए। उसने ₹2000 गुल्लक का हम सबको दान कर दिया।